हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। पिछले वीडियो में हमने प्री लोडिंग को कस्टम करके देखा कि किस तरीके से हम प्री लोडिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं, और आज दोस्तों जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि हम प्री लोडिंग को कस्टम करते हुए उसको डिले कैसे कर सकते हैं। मान लो दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से कुछ मॉड्यूल्स को एप्लीकेशन लोड होने के तुरंत बाद लोड कर लेते हैं और कुछ को हम ऑन डिमांड करते हैं, मीन्स कि हम कस्टमाइज कर रहे थे, राइट। हमारे पास कुछ ऐसा भी रिक्वायरमेंट आ सकता है कि कुछ मॉड्यूल को हम उसी टाइम लोड कर लें, कुछ को ऑन डिमांड करें, और कुछ ऐसे मॉड्यूल हो हम चाहते हैं उसको कि 10 सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद अपने आप लोड हो जाए, उसको लोड करने के लिए हमें ना क्लिक करने की जरूरत हो ना कुछ हो, राइट। ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है, हो सकता है कि हमें दिखाना हो कि ये पॉपअप है या जो कुछ भी हो, एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट हो उसके बाद उसको हमें 1 मिनट बाद या 10 सेकेंड बाद उसको लोड कराना है, राइट। तो दोस्तों उसके लिए हम कैसे कोडिंग करेंगे, कैसे उसका सिंटेक्स लिखेंगे, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इसको आप अच्छे से देखिए, बहुत ही ट्रिकी चीज़ है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आप रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। प्रोजेक्ट जो कि पिछले वीडियो हमने देखा था, प्री लोडिंग कस्टम प्री लोडिंग स्ट्रेटेजी में हमने यूज कर रखा था। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों कि हमने पिछले आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो हमने ये सर्विस बनाया था और यहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि राउट डॉट डेटा और राउट डेटा प्री लोड जहाँ जहाँ मिले उसको IGT जो फीचर मॉड्यूल को लोड कर देता है। और अब अगले में डिले करने के लिए हम बस जस्ट यहीं पर एक और लाइन ऐड करते हैं इसी सर्विस में। तो इसके लिए हमने इस फाइल को ऐसे IGT रखा है, दूसरा हमने एक सर्विस बना लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बस सब कुछ सेम वही है दोस्तों, बस हमने क्या क्या एक लाइन यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि इफ राउट डॉट डेटा और उसमें डिले मिलता है तो रिटर्न टाइम इतना सेकेंड क्या करेगा, ये उसको डिले कर देगा, राइट। और उसके बाद ये लोड कर देगा, अगर ये नहीं मिलता है डिले, जिसमें नहीं मिलता है तो उसका जीटीज रिटर्न लोड कर देगा, ऐसे लोड कर देगा, राइट। तो ये डिले हम कहाँ लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में, राइट। जो ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल और TS फाइल है यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस जिस फाइल को हमें डिले करना होता है उसको ट्रू करेंगे, जिसको नहीं करना। जैसे मान लो दोस्तों कि हम चाहते हैं कि हमारा कंपनी फीचर मॉड्यूल है, क्या कंपनी मॉड्यूल अपने आप डिले ना हो तो अपने आप लोड हो जाए उसी टाइम एप्लीकेशन स्टार्टअप के बाद ही, तो हम इसमें लिखेंगे डिले और यहाँ पर लिख देंगे फाल्स, राइट। तो ये फाल्स मीन्स कि उसी टाइम लोड हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि ये हमारा मॉड्यूल जो पर्सन हो कुछ देर के बाद लोड हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिले और यहाँ पर लिख देंगे ट्रू, राइट। तो ये कुछ देर के बाद लोड होगा और ये तो हमारे ये क्या किस सर्विस में चेक हो रहा है, तो उस सर्विस का नेम हमें यहाँ पर देना होगा। इस सर्विस को हम कॉल कॉपी कर लेंगे और ऐप राउटिंग पर जाएंगे हम और ये सर्विस को हम चेंज कर देंगे, राइट। और इसको हमें इंपोर्ट करना होगा, अगर इसको चेंज करते हैं तो ये हमारा देखिए यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, अब हमारी इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम कमेंट भी कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे प्रोवाइडर्स के अंदर इस सर्विस को हम रजिस्टर कर लेंगे। अब जैसे ही इसको दोस्तों हम सेव करते हैं तो हमारा क्या होगा कि अब हमारा जो पर्सन मॉड्यूल है कुछ देर के बाद लोड करेगा, पहले क्या करेगा ऐप मॉड्यूल को लोड करेगा, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद कंपनी को लोड कर देगा, और ये हमारा जो इसमें हमने डिले ट्रू कर दिया है तो पर्सन कुछ सेकेंड बाद इसको लोड करेगा, जितना हमने सेकेंड वहाँ डाल रखा है, उसके बाद अब एड्रेस को ऑन डिमांड लोड करेगा। तो हम देख सकते यहाँ पर जैसे हम रिफ्रेश करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखने वाली बात देखिए, कंपनी मॉड्यूल लोड हुआ है लेकिन अभी पर्सन नहीं है, कुछ देर के बाद अपने आप देखना देखना पर्सन मॉड्यूल अपने आप आ गया, राइट। मीन्स कि पहले ऐप मॉड्यूल एप्लीकेशन स्टार्ट, उसके बाद कंपनी मॉड्यूल अपने आप लोड हो गया था, कुछ देर बाद ये पर्सन मॉड्यूल लोड कर दिया। आप फिर से दोबारा देख सकते हैं, मैं दोबारा एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि अब स्टार्टिंग में देखिए केवल कंपनी मॉड्यूल है, तुरंत थोड़ी देर के बाद अपने आप पर्सन मॉड्यूल आएगा, देखिए अपने आप कुछ देर के बाद पर्सन मॉड्यूल आया। तो हम ऑन डिमांड क्या कर सकते हैं कि पर्सन मॉड्यूल को ऑन डिमांड पर्सन मॉड्यूल को कुछ देर के बाद डिले कर सकते हैं और उसके बाद उसको लोड करा सकते हैं। ऑन डिमांड के लिए हम उसमें कुछ नहीं लगाएंगे, आप देख सकते हैं ऑन डिमांड एड्रेस लोड हुआ, राइट। ये सारी चीज़ें पहले से लोड हो चुका है। तो ये होता है दोस्तों कि कस्टम प्री लोडिंग स्ट्रेटेजी विथ डिले।
राइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि हम आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।